स्टूडेंट पार्टी फैक्टर बाय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी देता है आपको दो फैक्टर ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अब यहाँ पर देखिए आपको दे रखा 4p² - 9q², तो मुझे इस फॉर्म में से चेंज करना है। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 क्या है आपका 2 का स्क्वायर, तो उसे लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर। p तो आपको पहले स्क्वायर में दे रखा है, माइनस 9 क्या है आपका, 9 आपका है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ क्यू स्क्वायर ये दे रखा है आपको। देखिए इसको फर्दर मैं जो है इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 2p² होल स्क्वायर। अब मैं 2p² होल स्क्वायर करता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4, b² 4p², वो सेम उसी फॉर्म में आ जाएगा। माइनस इसको भी मैं लिख सकता हूँ 3q² होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता था कि अगर a टू द पावर m है इंटू b टू द पावर n, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारा कि a की पावर भी m है और b की पावर भी m है, तो मैं a इंटू बी टू द पावर m कर सकता हूँ अगर पावर सेम है। तो यहाँ पर देखें तो पावर क्या है, 2 टू द पावर 2, b टू द पावर 2 पावर सेम है, तो इस फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ 2b² - 3q² अब ये सेम किस फॉर्म में आ गया है, इसी फॉर्म में आ गया a² - b² तो आपको क्या करना है, एक बार इसे प्लस के साथ लिख दीजिए 2b - 3q और एक बार इसे 2b + 3q इसके साथ लिख दीजिए, एक बार माइनस एक बार प्लस। सेम इसी तरीके से आप देखें तो दूसरा आपको दे रखा है 9x² - 16। 9x² को 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर एंड वाई का स्क्वायर, माइनस 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। तो मैंने क्या करा कि 9x² - y² वाली जो मेरे पास टर्म थी उसको मैंने कन्वर्ट करते हैं स्क्वायर में, 3 का स्क्वायर x² - y² लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का अगेन यूज करते हैं, जो कि हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है a² - b² - b² इज ए इंटू बी, ए के साथ ब्रैकेट में लिख लीजिए 2 की पावर सेम पावर एम कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो सबको मैं एक ही ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 3xy और सबकी पावर का कर देता हूँ स्क्वायर, माइनस 4 का होल स्क्वायर। a² - b² की जो आइडेंटिटी है वो आपको देती है दो फैक्टर a - b एंड a + b, तो इसको अगेन मैं लिख सकता हूँ एक बार माइनस के साथ 3xy - 4, एक बार -4 और एक बार 3xy + 4, एक बार -4 एक बार +4। सेम इसी तरीके से आप देखें 49x² - 36, 49x² 7x² - 2 माइनस, मैंने इस बार डायरेक्टली लिख दिया, मैं पहले इसी तरीके से करता था x² - 2, मैंने इसके बाद डायरेक्ट लिखा और 36 की किसकी पावर है, किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर। तो अगेन a² - b² आइडेंटिटी, a² - b², ए क्या है मेरे पास 49x² में, ए मेरे पास 7x है और बी मेरे पास क्या है 6 है, a - b a + b। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ए क्या है मेरा 7x है और बी क्या है मेरा 6 है, ठीक है, आइडेंटिटी में माइनस होता है a² - b², तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा a - b। तो यहाँ से देखिए 7x - 6 एंड 7x + 6। तो इस तरीके से आप इस जो फैक्टर्स होते हैं बाय यूजिंग a² - b² आइडेंटिटी, उससे आप क्या है फैक्टर्स निकाल सकते हैं।